press the bell icon for all updates. ये सॉन्ग करके एंड बहुत अच्छा लगा वहाँ पे हमने शूट किया एंड देन अभी बाकी सब तो बहुत अच्छा था. आई हैड अ लवली एक्सपीरियंस शूटिंग फॉर द सॉन्ग इन गोवा और इनकी वॉइस इतनी मैजिकल है और हामिल सर ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया था तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा एंड सॉन्ग तो मैंने अभी फर्स्ट टाइम देखा एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल. जब ऑफर हुआ तो माइंड में क्या चल रहा था? ऑफर हुआ एज I was like obviously excited because it's Z and all, but I didn't know ki itna acha output hoga and I'm very grateful for that. First jab maine song suna tha mujhe bahut acha laga tha to unhone kaha tha ki matlab aisi aisi story hai mujhe puri story batayi thi to mujhe bahut achi lagi thi to fir humne ye song kiya and wo phal jo hota hai wo hame mila to yeah bahut acha ji ki ek acha response mil raha hai kya kehne chahenge. I'm very happy. I'm very excited. I'm looking forward के क्या response आता है. I'm sure अच्छा होगा. We are all hoping कि अच्छा हो. Because गाना अच्छा है, video अच्छा है, cast भी अच्छा है. So fingers crossed. ये मुझे काफ़ी अच्छा song लगा और मेरे जो singer हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा गाना गाया. और हालांकि गाना पूरा भी बहुत प्यारा गाना है और जो स्टार कास्ट हैं जो को आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी बहुत प्यारा किया है तो स्टोरी भी बहुत प्यारी है गाना बहुत प्यारा है. नहीं नहीं मुझे एक्चुअली सॉन्ग ही बहुत प्यारा था. मैंने सॉन्ग ही सुना तो मुझे सबसे प्यारा गाना ही लगा इसलिए मैं बहुत ही एक्साइटेड था जब मुझे गाने ही सुनने को मिले. बहुत अच्छा लगता है सर. मतलब जब अप्रिशिएट करते हैं लोग आपका काम तो इट फील्स गुड. ऑलवेज फील गुड चाहे पिक्चर बड़ी हो छोटी हो गाना बड़ा हो छोटा हो इट डजंट मैटर व्हेन एवर यू बीइंग अप्रिशिएटेड फील्स नाइस. Well, the song is very nice and very very melodious. I'm definitely going to say ki awaaz mein ek alag hi jadoo hai and it was a pleasure. I think Yasir the singer is right next to me, so ek tarah se compliment main dena chahunga ki inki awaaz jo hai ekdam stand out karti hai and definitely ek baar jo ye gaana sunega baar baar ise sunna chahega. Well, music videos were always a trend. I remember, I think 20 साल पहले भी एक दौर म्यूजिक वीडियोज़ का था और उनमें जितनी भी एक्ट्रेसेस हिट हुई थी मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा बट सब ने अपना एक तरह से करियर बना लिया. आई एम श्योर यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट. एवरीबडी नोज हु वी आर टॉकिंग अबाउट. तो आई थिंक जो पहला सबसे फेमस म्यूजिक वीडियो रहा था दैट वॉज कलियों का चमन और उसके बाद पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज हो गया था. एंड इफ़ इस तरह का दौर वापस आता है बट फॉर दैट द म्यूज़िक हैज़ टू बी ब्रिलियंट. द म्यूज़िक वीडियोज हैव टू बी ब्रिलियंट एंड वट एवर यू मेक हैज़ टू बी आउटस्टैंडिंग. सो आई फील इफ दिस इज वॉट द न्यू चेंज इज आई वुड डेफिनेटली वेलकम द चेंज. वेल आई थिंक सोशल मीडिया का ये जो दौर चल रहा है उसमें आई थिंक आई हैव हर्ड कि टिकटॉक वीडियोस के स्टार बन चुके हैं. उसमें किसी की डेथ भी हो गई थी कोई मर भी गया था. सो दैट शोज द पावर ऑफ सोशल मीडिया. इफ़ यूज करेक्टली यू कैन बिकम अ स्टार बट माइंड यू मेरा ये मानना है कि जब तक लोग लाइन में लग के आपके लिए टिकट नहीं खरीदते हैं प्लीज़ रिमेंबर तब तक आप स्टार नहीं हैं. आई वुड नॉट इवन से एक्टर्स फ्रॉम टेलीविजन आर बिग स्टार्स. फैक्ट यही है जब तक लोग लाइन में खड़े होकर टिकट
नहीं खरीदेंगे, आप इस गलत फहमी में मत जिए कि आप एक स्टार हैं। फॉर सम टाइम सोशल मीडिया आपको स्टार बना देगा बट नॉट अदरवाइज। सब न्यू आज बहुत ट्रेंड चल रहा है सॉन्ग एंड ऑल का, तो उस बारे में मैं कहना चाहूँगी मतलब ऐसे ही सब लोग अच्छे अच्छे सॉन्ग्स बनाते रहे एंड सबके अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे रहते रहे और उसी से कामयाब होते रहे। बस दुआएं सबके साथ, मेरी भी और सबकी, मेरे साथ भी ऐसे ही होता रहे। अच्छा अच्छा जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छे ही होगा। टिकटॉक के बारे में, टिकटॉक तो बहुत पसंद है मुझे। उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे से वीडियोस बनाती है, बट इस बारे में मुझे उतना पता नहीं है तो मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी कि क्या हुआ था, बिकॉज मैंने उतना जाना नहीं है। तो अगर मुझे पता होता तो मैं बोलती भी, बट जो भी होगा अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। एंड किस्मत में जो लिखा है, मतलब जो होना होता है वो हो जाता है, तो जो होना होता है वो बाद में उसके बाद कुछ अच्छा ही होता है, तो इसलिए शायद ये होना होगा। आप सब इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, बहुत खुशी होती है। जैसा आप मुझे इतने सालों से सपोर्ट करते आ रहे हो, वैसे हमारे गाने को सपोर्ट करिए, उनको उसको प्यार दीजिए। बस इतना ही कहना था। आई लव यू ऑल सो मच। क्या कहना चाहोगे आप? मैं बस चाहूँगी कि आप सब गानों को देखिए, सपोर्ट करिए, सबसे शेयर करिए, बिकॉज इट्स सो ब्यूटिफुल, और इन्जॉय करिए। थैंक यू। पहली फिल्म 100 करोड़ चली गई, एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन ऑडियंस ने इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू, अ बिग शाउट आउट टू माय ऑडियंस, क्योंकि आपने मुझे आज तक एक भी हेट कमेंट नहीं दिया है। सारे इन्फ्लुएंसर, सारे एक्टर्स को कहीं ना कभी कुछ ना हेट मिलती है, लेकिन मुझे आज तक एक भी हेट नहीं मिली, बल्कि आप लोगों से ढेर सारा प्यार मिला है, इसके लिए बहुत बड़ा शुक्रिया। और दूसरी फिल्म को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो ऐसे ही प्यार करते रहिए, मुझे ये कहना चाहूँगा। हाँ जी, दरमियाँ मैंने सॉन्ग देखा, एक तो जी म्यूज़िक, तो म्यूज़िक पे तो कोई संदेह ही नहीं है, बहुत ही A1 म्यूज़िक है, और किशोर फिल्म्स ने बहुत ही जी म्यूज़िक में म्यूज़िक का तो कोई संदेह ही नहीं है, और किशोर फिल्म्स ने बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन किया है, एक ओवरऑल एक बहुत ही A1 क्वालिटी कॉन्टेंट बनाया है। तो मैं अरिशफा, मेरी जो फ्रेंड है जिसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, उसके लिए बहुत ही खुश हूँ कि उसने एक बहुत ही अच्छी कंपनी के साथ बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट का पार्ट बनी। टिकटॉक ने यार हाल ही में मुझे बहुत कुछ दिया है, कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी एक टिकटॉक आर्टिस्ट कहलाऊंगा। मुझे हमेशा एक एक्टर कहलाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज कहीं भी जाता हूँ तो लोग एक टिकटॉक आर्टिस्ट के नाम से भी जानते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं फ़ैन्स का बहुत ही भूखा हूँ, बहुत ही लालच है मुझे फ़ैन्स की, जो प्यार आप मुझे देते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो भले ही मुझे टिकटॉक आर्टिस्ट बुलाओ तो भी मुझे चलता है। तो हम जब से हम मिले हैं, हमारा ग्राफ ऐसे, सबका ग्राफ ऐसे बढ़ता है, हमारा ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, तो अगर शायद मेरी टीम नहीं होती, मेरी टीम बिगाड़ा, तो इतना इजीली मैं नहीं बढ़ता, लेकिन इतना इजीली नहीं बढ़ता। इन मेरे जो समीक्षा और विशाल हैं, इन दोनों मेरे जो दो पिलर्स हैं मेरी लाइफ में, बहुत साथ दिया इन्होंने मुझे, और हम हमेशा हर जगह साथ में जाते हैं। आज दोनों बिजी थे तो नहीं आ पाए, लेकिन हम आए। कुछ नहीं, किसी को नहीं बता रहा है, ये किसी को भी नहीं दे रहा है आंसर। ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए, और मैं वादा करता हूँ कि हमेशा मेहनत करूँगा, और जैसे वीडियोस बनाता हूँ जिससे आप लोगों के मुँह पे चेहरे पे हंसी आए, मेहनत करके ऐसे वीडियोस बनाऊँगा। ऐसे ही प्यार करते रहिए। तीन तिगाड़ा लव्स यू, भाविल लव्स यू।
Thank you.